दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपने कभी ना कभी यूट्यूब के ऑफलाइन फीचर को यूज़ किया होगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप कोई बड़ी मूवीज़ वगैरह या बड़ी MB की साइज़ की आप वीडियोस इसमें ऑफलाइन करते हैं तो आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जब भी आप अपने मोबाइल में ऑफलाइन करते हैं तो डायरेक्ट आपके SD कार्ड के बजाय वो इंटरनल में चली जाती है, इंटरनल में वो डायरेक्ट सेव होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी पर बताऊँगा कि कैसे आप अपने ऑफलाइन वीडियोज़ को डायरेक्टली SD कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जानने के लिए ये वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करिए, उसके बाद आप ऑफलाइन में चले जाइए। ऑफलाइन में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है 3 डॉट्स, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑफलाइन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यूज़ SD कार्ड दिख रहा है, वो आपका ऑफ होगा, तो आप उसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि आपका जो भी वीडियो आप ऑफलाइन करेंगे तो डायरेक्टली आपके SD कार्ड में चली जाएगी, आपकी इंटरनल मेमोरी को यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब वो आप इसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड कर लिए तो ये हैंग होने लगता है और स्पेस आपका बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।